इतना गिन गाएगी। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस कैसे हो सभी लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सारे बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में सोचे होंगे। तो फिलहाल गाइस सुबह के बज रहे हैं 11 और मैं तो सो के उठ चुका हूँ, पर टाइगर भाई सब सो के नहीं उठे। और देखो सो का सारा दांत बाहर निकल गए, और पूरी रात ना ये हमारे साथ ऐसे ही सोया था, मेरे और बड़े भैया के साथ में, मतलब बीच में ऐसे सोया था। बड़े भैया यहाँ सोते हैं, ये बीच में सोता, मैं यहाँ सोता, और नींद बहुत अच्छे से पूरी चिपक के सोता था। तो भाई गाइस अब उठते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं और देखते हैं आज हमारे दिनचर्या में क्या हुआ क्या नहीं। सो कैसा रहा ये तो देख लो, दांतों को बाहर निकल के, अंदर का दांतों को। चलो गाइस अब नीचे चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। चलो गाइस ब्रेकफास्ट करते हैं। मम्मी ये क्या खा रही हो? मट्ठी है। ये कैसी मट्ठी इतनी बड़ी? लॉन्च जा रहा है। मैं कब जा रहा हूँ? मैं तो नहीं जा रहा। लड्डू कह रही है। नहीं तो लॉन्च जा रहे हैं। मैं नहीं जा रहा। टाइगर चलेगा लॉन्च? चलेगा लॉन्च? लॉन्च के नाम पे कैसे गर्दन करी? चलेगा लॉन्च? लॉन्च 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 चल। अभी जा रहा हूँ मैं जामा मस्जिद गेट नंबर 1, जहाँ पे गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं ना, तो वहाँ से गाड़ी के लिए बम्पर लेके आना स्विफ्ट का अपनी। तो चलो लेके आते हैं। बस मार्केट तक पहुँच चुके हैं और यहाँ पे ना आपको गाड़ी का ना, हर एक गाड़ी का, नई हो चाहे पुरानी हो, सारा सामान मिल जाएगा। टायर, अलॉय व्हील, A to Z गाड़ी का सारा सामान मिल जाएगा आपको। तो एक बार आके आप चेकआउट कर सकते हो। देखो कितने बम्पर हैं। बम्पर तो मैंने ले लिया है भाई, अब घर चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कैसे बम्पर लिया और कितने का लिया है। ओए चलो टाइगर, टाइगर भी आ गया। क्या हो गया? बम्पर लेके आओ बेटा। चलो 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 अंदर चलो अंदर चलो। सूंगा ऐसा रहा, पता नहीं क्या सूंगा इसमें। बाबू कुछ नहीं है, तुम्हारे मतलब की चीज नहीं है, समझ रहे हो? गाड़ी कहाँ से आ गई घर में आज? दिस इज बम्पर, कार बम्पर। हाँ तो खरीद के लेके आऊँ? गाड़ी में लगवाना है, हमारा बम्पर टूट रहा है। तो बम्पर मैं छत पे लेके आ चुका हूँ, अब मैं इसे धोऊंगा और साथ ही साथ में पहले पूरी छत भी साफ़ कर लेता हूँ, क्योंकि छत बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। और सारे काम करने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगा ये बम्पर मेरे को कितने का पड़ा, कितने का नहीं, और वहाँ पे आपको क्या क्या आइटम मिल सकते हैं, क्या क्या आइटम नहीं। सो गाइस छत तो पूरी साफ हो चुकी है, अब बम्पर को साफ कर लेते हैं, जो भी थोड़ा बहुत गंदा हो रहा है ना इसे साफ कर लेते हैं, फिर थोड़ा सही हो जाएगा ये। और अभी तो गाइस बहुत ज्यादा गंदा ही है, जब मैं सब पानी नहीं मारे थोड़ा साफ कर दूंगा ना तब और अच्छा हो जाएगा ये। बम्पर पूरा साफ हो चुका है और ये देख लो पुराने ही कंडीशन भी कितनी अच्छी है धोने के बाद। और गाइज ये बम्पर है ना मेरे को सिर्फ 700 रुपए का मिला है, और आप कभी भी अगर पुराने बम्पर लो ना तो आपको ऐसे नक्के देखने हैं, जिनके होल है ना ये, इनके ये होल एकदम परफेक्ट होने चाहिए, यहाँ से सब जगह से एकदम ऐसे परफेक्ट होने चाहिए, कोई भी यहाँ से रिपेयर नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ से भी देखो एकदम बिल्कुल एज इट इज सेम का सेम है, ठीक है। और यहाँ पे हेडलाइट के फॉग लैम्प के जो होते हैं ये भी एकदम सही होने चाहिए, और नीचे से जितने भी है ना ये होल, ये वाले होल जितने भी आप देख रहे हो, 700 रुपए में गाइस बुरा नहीं है बम्पर, देखना कितना अच्छा बम्पर मिला हुआ है। देखा ये बम्पर सिर्फ और सिर्फ मेरे को 700 रुपए का मिला है, और अगर यही बम्पर अगर मैं कंपनी से लेने जाता ना गाइस तो वही बम्पर मेरे को 3500-3000 रुपए का पड़ता, और फिर उसके ऊपर से मेरे को पेंट करवाना पड़ता न्यू बम्पर के ऊपर, तो 5000 रुपए एक बम्पर के ऊपर फूकना, तो मेरे को वो चीज़ समझ में नहीं आती है। अब यही बम्पर होगा ना पेंटर एकदम नया कर देगा, पता भी नहीं लगा कि मैंने सेकंड हैंड बम्पर लिया है। तो इसलिए कभी भी मेरा बम्पर टूटता ना गाइस तो मैं जामा मस्जिद की स्पेयर पार्ट मार्केट में जाता हूँ, वहाँ से 700-800 रुपये का बम्पर खरीदता हूँ और 1500 रुपये का पेंट करवाता हूँ, तो 2200-2300 रुपये मेरी गाड़ी का एक बम्पर रेडी हो जाता है। और गाइस अगर आपको जामा मस्जिद की मार्केट से अगर कुछ भी चीज़ लेनी है ना तो एक बार आप जरूर चेकआउट कर लेना। अगर आपको बम्पर लेना है ना तो जितने भी ये हुक्स है ना ये एकदम सारे सही होने चाहिए जब जाके आप बम्पर लेना। और गाइस अगर आप कार मॉडिफिकेशन के शौकीन हो ना तो आप अपनी बहुत सस्ते के अंदर गाड़ी मॉडिफाई कर सकते हैं, जो कि अभी मैं अपनी करने वाला हूँ गाड़ी मॉडिफाई। अगर आपको वो सीरीज़ देखनी है ना तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना। बहुत सस्ते के अंदर मैं अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करने वाला हूँ, मॉडिफिकेशन के रिगार्डिंग है ना कि आप अपनी गाड़ी को बहुत सस्ते पैसों में कैसे मॉडिफाई कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग मैं आपके लिए वीडियो लाता रहा करूँगा। तो ढेर सारा अपना प्यार देना, वीडियोज़ को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी बम्पर को यहीं छोड़ देते हैं, आप नीचे चलते हैं, कुछ खाते हैं, भूख लग रही है, इतना सारा काम करा है मैंने। चलो
चलो गाइस हम नहा के आते हैं और फिर करते हैं पूजा। मामा आशीर्वाद दो, नहा के आऊंगा लड्डू, आशीर्वाद दे नहा के आऊंगा, वापस आ जाऊंगा मैं, नहा के आशीर्वाद दो मुझे। अबे चल निकल यहां से यार, मम्मी आ जा मेरे को। और गाइस आज ना ठंड बहुत ज्यादा है, तो पहले ना मैं आग लगा के यहाँ पे रख देता हूँ, नहा के जैसे आऊंगा ना वैसे आग चाह के बैठ जाऊंगा। सो गाइस नहा तो मैं चुका हूँ और जो लकड़ी मैंने तोड़ी थी ना, अब इनमें आग लगाते हैं, थोड़ी देर हाथ सेकते हैं, ठंड लग रही है बहुत ज्यादा। आज शाम के 5 बजे कितना ज्यादा कोहरा हो रहा है भाई, भाई आग लगाते हैं हाथ सेकेंगे अब। और गाइज मेरी ना आपसे तहे दिल से एक रिक्वेस्ट है, तो प्लीज गाइज मेरी रिक्वेस्ट को समझो, मेरी मेहनत को समझो, मेरे इमोशंस को समझो। मैं भी चाहता हूँ कि गाइज मेरी यूट्यूब पे 1K की फैमिली कंप्लीट हो, फिर आने वाले टाइम पे 5K की फैमिली कंप्लीट हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे यूट्यूब पे आए और मुझे अपना प्यार दें, मुझे अपना सपोर्ट दें। बस गाइज मैं इतना ही चाहता हूँ, क्योंकि गाइज मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, डेली व्लॉगिंग कर रहा हूँ और रातों को लेट नाइट बैठ के व्लॉग को एडिट करता हूँ ताकि सुबह तक मैं व्लॉग अपलोड कर पाऊँ, पर फिर भी यार इतनी मेहनत के बाद भी आप लोगों का ना मेरे को प्यार इतना नहीं मिल पा रहा है। और अब तो ना गाइज मैं ना थोड़े थोड़े दिनों बाद ना डीमोटिवेट हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा, तो व्लॉग बनाने का मन भी नहीं करता, पर फिर भी मैं व्लॉग बनाता हूँ। तो प्लीज़ गाइज यार मेरी मेहनत को बर्बाद ना होने दीजिए आप लोग, प्लीज़ गाइज मुझे प्यार करो, मेरे चैनल को सपोर्ट करो, मेरी फैमिली को प्यार करो प्लीज़ गाइज। मैं भी चाहता हूँ कि गाइज मेरी 1K की फैमिली कंप्लीट हो। चलो चलो बाबू, चलो 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 चलने नीचे चलो। किस लिए? अच्छा होटल में बर्तन धोने जाना है क्या? हाँ तू बोले कि मैं धो लूँगा। अरे मतलब बच्चा कैसे बैठा हुआ है? आज मम्मी आलू मटर की सब्जी और साथ में चावल बना रही है। अब मैं ये सोच रहा हूँ लड्डू की समर रेस्टोरेंट जाऊँ या फिर अपनी फेवरेट डिश खाऊँ मैं, बाकी देखते हैं कहाँ जाना होगा कहाँ नहीं। चलो भाई अब चलते हैं समर फूड। यार ऑर्डर दे दिया अभी, प्याज लाके रखती है। प्याज लाके रखती है, भूख लग रही है। पर एक तो लड्डू को और ज्यादा भूख लग रही है क्योंकि इतने टाइम से वेट कर रही थी समर फूड आने का, अब आ गई है तो यहाँ पे देखो प्याज देख रही है। दिखाना भी नहीं आ रहा नहीं, नेल्स लंबे हैं, जोड़ी भी बीज नहीं एकदम क्लियर, इसमें रस भी होता है। नींबू को देख के नींबू कर रही है, खट्टा खट्टा जाता है। ये खाली प्लेट खाएंगे क्या, टिश्यू पेपर खाएंगे क्या? खाली तो खा सकते हैं, तो कुछ दे लड़के अच्छे लगते हैं मुँह चलाती हूँ। तो पहला आइटम हमारा कबाब आया, रोटी भी नहीं आई साथ में, पता नहीं इतनी लेट लेट क्यों ला रहे हैं लड्डू, आज पता नहीं क्या हो गया। जी तो ये आ गया हमारा मक्खन वाला चिकन, जो कि लड्डू का फेवरेट है लड्डू। चलो गाइस अब मस्त खाते हैं। गेट पर लगा, गेट थोड़ा सा ढक्कन लगा दो उसका, गेट लगा मैं कह रहा हूँ, गेट मैं गेट कह रहा हूँ, ढक्कन लगा दो उसका, गेट लगा दिया, ताला लगा देना। तो बिरयानी भी आ चुकी है, देखो एक शक्ल इसकी, इतना आगे गाएगी।
सुबह तो मस्त खाना खा लिया है, अब घर चलते हैं। पहले सुर सुर कर रही है, मैं भी कर रहा हूँ। थोड़ा सा खाना थोड़ा स्पाइसी था यार। बच्चा वा खाना खाए तुमने, पैक करवा लिया टाइगर के लिए, तो टाइगर के खाने में हम डाल देंगे। शीशे में शक्ल देखी अपनी, कितनी बुरी लग रही है, देखियो देखे दिखा, ठंड लगी अब। कीर्ति इस डमी को देख के ना समझी कि असली का मुर्गा, और डर गई कीर्ति। कीर्ति कीर्ति असली का था। सो गाइस समर फूड्स हम खाना वगैरह खा के आ चुके हैं, बाकी अब मैं ऊपर वाले रूम में आ चुका हूँ। अब आराम से बैठ के व्लॉग का एडिट करेंगे। और बाहर कोहरा देखो कितना ज़्यादा हो चुका है, देख लो कितना ज़्यादा कोहरा हो चुका है। तो रज़ाई में घुसते हैं, अपना व्लॉग एडिट करते हैं। तो फिलहाल के तो गाइस मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर देता हूँ। होप करता हूँ कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं है चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, और वीडियोस को शेयर करना है बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, अब तक के लिए बाय, गुड नाइट, लव यू, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।